इसका फ्लैट जो है वो कैसा रहता है अंदर से और कितना एक्सपेंसिव रहता है। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन। यहाँ पे ये फ्रिज है, वो माइक्रोवेव है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को, और फिर क्या है कि टेबल वगैरह, टेबल चेयर, हर चीज, इवन इसके अंदर का जो भी प्लेट्स वगैरह है या फिर जो कप वगैरह है, सारा कुछ यहाँ मिलता है। अभी तो खैर इसमें रहते हैं स्टूडेंट तो वो अच्छे से अरेंज नहीं किए हैं, बट यहाँ पे आप सारा मसाला वसाला सारा कुछ रख सकते हो। ये सारा मसाला वसाला रखने का है और कप वगैरह सारा कुछ पहले से ही मिलता है। और ये जो है ये गैस है तो खाना बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल जल्दी से बन जाएगा। ये माइक्रोवेव भी दिया हुआ है। तो गाइज ये जो है ये बाहर कंपाउंड का व्यू है, यहाँ पे एक छोटा सा खेलने के लिए भी बना हुआ है बच्चे लोग का, और यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। अब चलते हैं लिविंग रूम की तरफ, तो आज मैं बाथरूम टॉयलेट कैसा है। तो ये बाथरूम है, इसके अंदर जो है ये बाथटब वगैरह दिया हुआ है, और ये मिरर है सामने, ठीक है, मिरर है सामने, यहाँ पे हैंग करने के लिए सारा कुछ है। उसके बाद चलते हैं टॉयलेट में। तो ये है टॉयलेट यहाँ का, आज टॉयलेट देख लूँ। तो ये टॉयलेट है, ये बेसिन है, यहाँ पे मिरर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, लाइटिंग वगैरह भी लगी हुई है। तो अब चलते हैं बेडरूम देखने, आ जाओ। ये है बेडरूम, तो ये बेड है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे छोटा छोटा कबर्ड दिया हुआ है, ये ऊपर की लाइटिंग है, ये यहाँ पे छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, मिरर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है सामने, और फिर ये छोटा सा टेबल है यहाँ पे जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, और फिर ये बालकनी है सामने, ये देख लो ये बालकनी की व्यू है। और ये कबर्ड वगैरह दिया हुआ है, इसके अंदर आप जो है ना कपड़े अपने हैंग कर सकते हो, जैसे कि कपड़े पहले से रखे हुए हैं इसके अंदर सारे हैं। और फिर तो ये इसकी प्राइस है $250 पर मंथ और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अगर आप दो बंदे हो, दो लोग हो और चाह रहे हो कि हॉस्टल में नहीं रह के फ्लैट में रहना, तो आप रह सकते हो, ये उतना कॉस्टली नहीं है। और मैं सच बताऊं मैं आपको कि मैं लवीव में रहता हूं और इवानो का जो फ्लैट है उसका प्राइस इतना सस्ता होता है एज कम्पेयर टू लवीव। अगर ये जो फ्लैट अगर आप जाओगे लवीव में लेने तो मिनिमम आपको $300 पर मंथ पे करना पड़ेगा प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, पर यहाँ पर जो है 200 का भी फ्लैट मिल जाएगा आपको, 150 का भी मिल जाएगा। तो ये जो सिटी है इवानो फ्रैंकिप्स, इसमें आप ग्रोसरीज आइटम की बात करो या फिर जो फ्लैट्स की बात करो, ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको। तो ये एक बेनिफिट है। ये जो प्राइस जो होती है फ्लैट की वो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे लोकेशन पे लोगे, लाइक सेंटर के पास लोगे, तो उसकी जो प्राइस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, भले ही 1 BHK की हो या फिर 2 BHK की हो। लेकिन आप थोड़ा दूरी पे लोगे तो फिर वो आपको सस्ता पड़ेगा। बट ये जो है ये सेंटर से बस 5 मिनट वॉक की डिस्टेंस पे है और इसका $250 पर मंथ प्राइस है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और आप फ्लैट तो देख ही लिए कि कितना सही है और लोकेशन भी कितनी अच्छी है और यूनिवर्सिटी भी पास में ही है। तो बस यही था अपार्टमेंट यहाँ का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको अपार्ट
सेंसर होता है तो उसको टच करने से ही ये गेट खुलती है और फिर हम लोग अंदर जाते हैं। आ जाओ। यही है अपार्टमेंट जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये एक्टी में सेंसर लगा हुआ होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही भी बताया था, बिना सेंसर के जो है कोई अंदर नहीं जा सकता है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है यहाँ की। तो ये जो सेंसर है इसको मैं यहाँ पे सटाऊंगा तभी ये गेट खुलेगा।